नमस्कार जवाब मागुछु ओडिसा को आपनको स्वागत करछु म दुर्गाशीष जातिसंघ प्रशंसा कला ओडिसा को बात्या मुकाबिला बात्या परिचालन को नेकी ए खुशी रे राज्य सरकार खुशी हेले किंतु ए खुशी पछरे जो विफलता अछि ताकू केबे माफी चंती की राज्य सरकार ए खुशी पछरे जो अपारगता अछि ताकू जेते लुचाय पय चेष्टा कले भी ए जळ जळ हे कि दिसुछि एटी बड़ कथा है बेंचमार्क होची जीरो कैजुअल्टी 1999 महावात्यारे प्रेडिक्शन टेक्नोलोजी नथिला एबे त हम पके साइक्लोन मैन अछंती हम ओडिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र प्रेडिक्ट करु जो छंती जे को स्थान रे केते बेले लैंडफॉल करिवो ता आगुरु हमें रणनीति प्रस्तुत कर दउछु आ कोन करु छंती राज्य सरकार लोकंकु बुहै कि नउछंती बात्या आश्रयस्थली को ए बात्या आश्रयस्थली 2000 मसिया रे हलेनी जेतबे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थिले एवं बड़ कथा है जे जोटा सल्यूशन हवा कथा जे बेंचमार्क आउ जीरो कैजुअल्टी नुह बर या हवा कथा जे बात्या जीवा पर केते शीघ्र नॉर्मल हो लाइफ जीवन यात्रा केते शीघ्र नॉर्मल हो बिजुली रहुची पानी मिलुची एवं सबुठ बड़ कथा मुंड पक्का कर सब तो किसी ना आउ खुशी हबार कारणटा कौन रिजनटा कौन जे बाहबा नौछंती जीरो कैजुअल्टी बेंचमार्क थिला 1999 मसिया परे 21 वर्ष परे भी सेया ही बेंचमार्क आमे मुंडो उपरे पक्का घर करिथिले 6.5 लाख लोकंकु स्थानांतर करिनथांते आउ डबल चैलेंज रा सामना करिवाकु पडिनथांता एवं जो सहायता आसुची एवं बड़ एग्जांपल ब्रह्मगिरी को मुने कि देखेबी जे मुंडो उपरे पक्का घरटे नै पॉलिथिन तले चलुछंती पॉलिथिन तले जीवन जाउची दु वर्ष पर भी सीधा सड़क ब्रह्मगिरी जोड़ी होती कालुचरण कालुचरण टी रियालीटी देखु ये राज्य सरकार खुशी होती ता पक्षर विफलता आउ अपरागता को आप देखु कालुचरण क्विकली रिएक्शन ने निश्चित भाव दुर्गा शेष चित्र देखा मो पक्षपटे आप चित्र देखिपे ब्रह्मगिरी चित्र पूरी जिलार यही भाव में लोक मैंने अच्छा पखापाखि 2 लक्ष ऊर्ध घर यही भाव में पूरी जिले पड़ी एवं जो जीरो कैजुअल्टी कथा आपंट यदि जीरो कैजुअल्टी कथा कहवाक जावा फनी बात्यार सरकार कही आम प्रस्तुत थी कि फनी बात्यार पूरी जिले में 21 ऊर्ध लोक मरी कि लोक मरी आज भी सामने सरकार सहायता टी मिलना एपरिक आवास कथा कहवाक जा पक्का घर कथा यह हूँ तो ज्वलत उदाहरण यह हूँ तो निछक सत जो राज्य सरकार निज पीठ से निज हाथ पूरे बाहबा नौ चित्र देखला ही जना पड़ी बास्तव में किभली भाव में राज्य आवास बंटन करास्तव में योग्य पाती ना ना 2 लक्ष घर भांगा किभली भाव में यदि राज्य में सठिक भाव में अर्थात पूरी जिला कथा यदि कहवाक जावा 2 लक्ष कच्चा घर भांगी फनी बात्यार ओके कालचरण टी रिएक्शन नियंतु रिएक्शन नियंतु जो माने क्षतिग्रस्त तांकर रिएक्शन नियंतु कालचरण रिएक्शन नियंतु निश्चित भाव हम आलोचना करबा हम सते जानिबा को क्षति होला फनी बात्या क्षति हबा परे वर्तमान से अवस्था केमिति आपन मानकर फनी बात्या रे एठे पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक रो अनेक क्षति होला जो माने ये कच्चा घर थिले से मानकर घर संपूर्ण मैटर मिसी गला से मान घर अपन देखुछन्ति से माने से पालो पलथिन तळे रहिछन्ति एबे भी 2 वर्ष बिति जाइथिले मध्य टंकाटे से माने सहायता पाइनाहन्ति ए जो घर प्रधानमंत्री आवास घर से मानकर घर खंडे भी से माने पक्का घर अद्यावधि से माने पाइनाहन्ति 22 लोक मरिछन्ति बात्यारे से माने भी तांकर क्षतिपूरण अनेक लोक पाइनाहन्ति वर्तमान ए सरकार खाली बाहबान होती फनी सहायता सरकार सहायता प्रशासनिक अधिकारी तहसिल कार्यालय को धाऊँ आम अनेक बार तीन थर जिलापा कार्यालय आम लिखित दरखास्त करूँ एवं अनेक बार तहसिल को देखू एडी प्रोस्टर पोस्टाल तहसीलदार पाख को डायरेक्ट पठेलु एवं अनेक बार धारणा बस प्रतिवाद करम भी फनी बात्यार घर नष्ट सहायता एपर्त निश्चित भाव दुर्गाशीष ये हूँ प्रतिक्रिया जे फनी सहायता भी मिलना एम को क्योंटना क्योंटे बड़ दुर्भाग्यजनक चित्र एवं देखिपे जो ये पक्का जो पक्का घर कथा सरकार कहते हैं बास्तव चित्र ये रियलिटी या कि आप खुशी हूँ जे आप जीरो कैजुअल्टी करदे कि बेंचमार्क कौन एटी लोकों मुंड पक्का घर ना से हईराण होती वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त रविदास आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त दास आपण बहुत दिन धरिकी प्राकृतिक विपर्यय को देखुं आज जातिसंघ जो प्रशंसा करुच्चे मैंने निजे निज पिठी थाफड़ निजे जीरो कैजुअल्टी कहीकि बेंचमार्क करी प्रशंसा पाँच कितु जोटा
ନର୍ମାଲ ହେବା କଥା ବାତ୍ୟାର ପରେ ନର୍ମାଲ ହେବା କଥା ଲାଇଫ୍, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି କୁହନ୍ତୁ, ହେନ୍ତାଳ ବଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଇଏ ପିଠି ଥାପଡ଼ଉଛନ୍ତି 1999 ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଲେ ଇଏ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କଥା କହିକି ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦା, ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସ୍ଲୋଗାନରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସ୍ଲୋଗାନ ମାନେ କିଛି ବାତ୍ୟା ଘର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବା ପକ୍କା ଘର କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେଲା କହିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗଲା 20-21 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ କଥା ଆମେ କହିବା, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରତି ବାତ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଫନି କଥା ଆପଣ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ସେ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚା ଘର ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବରାବର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ମରିବେନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ତ ସହାୟତା ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଉଛି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି କଚା ଘର ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, 2022 ସୁଦ୍ଧା କାହାର କଚା ଘର ରହିବନି। ଆମେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଘର କଚା ଘର ରହୁଛି କେମିତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଚା ଘର ବତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେ ବତ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆଗ ତ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଗ ହବ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇନି କାହିଁକି, କରାହଉନି କାହିଁକି, ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି କେତେ ଘର, କାହିଁକି କଚା ଘର ଅଛି, ଏବଂ ଏତେ ଘରେ ଯେଉଁ ଥଇଥାନ ପୁଣି ହବ, ଯେମିତି ଫନିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଫନିର ସେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ସେଇଠି କରିନାହାନ୍ତି, ଫନି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ବି ପଲିଥିନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଲାନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ଏ କଥା ବରାବର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର କଥାଟି ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲି କରିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା କହ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଏବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ 1999 ବାତ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 1999 ବାତ୍ୟା ପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ କରାଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଯେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ଯେମିତି ଜୁହାର ପାଣି ନ ଆସିବ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହେନ୍ତାଳ ବଣ, କାହିଁକି ହେନ୍ତାଳ ବଣ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେନ୍ତାଳ ବଣ, କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଇଏ ପରା ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଲୋଗାନ, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଆପଣ ପିଠି ଥାପଡ଼ଉଛନ୍ତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କଥା କହିକି 1999 ପରଠାରୁ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପାରଗତା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଦେଖେଇଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ବିଫଳତା କି ନୁହଁ? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପାରଗତା କି ନୁହଁ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ହେଲେ 15-20 ଦିନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ 10-12 ଦିନ ଫନି ପରେ ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ପୁରୀରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମିଳୁନି, ଏଠି ବିଜୁଳି ରହୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା? ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ, ତା ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟାରେ, କରେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି କୁହନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ନୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି ସୁତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ସଞ୍ଜୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର କାହିଁକି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି କାହିଁକି ନାହିଁ, ଏଠି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିଟା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଆଉ ସେ ଚମକ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଏବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ପରେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରରେ
आज पर्यंत कच्चा घर कौन पाई रहा से प्रश्न उत्तर नवीन बाबू प्रथम दे पारे कि नवीन बाबू कहले आम समस्त को पक्का घर जगेबू केन्द्र सहायता ओडिशा राज्य सरकार को सहायत समस्त घर पक्का घर हम जी परिमाण जदि पक्का घर आलर्ट होती समस्ते प्रकृत हिताधिकारी पक्का घर पाई था आज राज्य सरकार चिंता कर नाता केमी बात्या आश्रयस्थल नवा को राज्य सरकार केवल ये लोक मानक देखे बात्या आश्रयस्थल को कौन सी बान्या बात्या बात्या आश्रयस्थल को ने बाबदे ट्रांसपोर्टिंग बाबद हूँ रखी फुडिंग बाबद हूँ खाद्यपेय बाबद यही सब योजना कर टा हरी लुट करवा नवीन बाबू जो जानते राज्य सरकार प्रकृत बास्तव चित्र ओडिशा सरकार गणमाध्यम जदि प्रकाश हाँ नवीन बाबू बाह बा मारते नहीं नवीन बाबू केवल जानते गणमाध्यम प्रकाश करेंगे आम ओडिशा को भल रखिचु एसब असुविधा किसी ना एवं केन्द्र रु बाहर राज्य को बाहर देश को केमी बाह बा ने कितु प्रकृत में जीरो काजुआलिटी जो कौन से संपूर्ण बास्तव शून आज पर्यंत कटक सहर कथा पड़ी कटक सहर से जदि बात्या जो आसला यस 15,000 लोक थैथान करने को ना आप चिंता करूँ कटक महानगर निगम 15,000 लोक थैथान कर बाबद खाद्यपेय बाबद 6,00,000 टंका बिल चलु करदे तेल अनुमान करूँ बात्या बनिया हेले ये केवल राज्य सरकार गोटे हूँ रोजगार उपाय राज्य सरकार जाशु जो मैंने प्रकृत ये गोटे रोजगार माध्यम जो कथा अभियोग आ जितेन्द्र साहू बालेश्वर जी संजय आम सहित जोड़े होती बालेश्वर संजय ग्राउंड रियालीटी टी देखा बालेश्वरवासी टी रियाक्शन नियंतु संजय निहाती भावे दुर्गाशीष मु आपको सीधा जो बालेश्वर अंचलवासी रही आम प्रतिक्रिया ना आज्ञा वर्तमान सरकार कहते आम जीरो काजुआलिटी कथा कहते कितु आम जब देखा बालेश्वर व्यापक भाव में क्षय क्षति होती विशेष करके उपकूलवर्ती अंचल रही तेरे आपड़ भाव देखते काजुआलिटी तो विशेषकर मृत्यु मनीष मरियाटा को काजुआलिटी धरा जाए कि जो घर भांगी जा गच भांगी जागुड़ा काजुआलिटी भितर नौ ना किंतु अनेक जगह जो विशेषकर लुणी घेरी भांगी माइल माइल धरी पा पशिच चिंगुड़ी चाष नष्ट बहु लोक थैथान केन्द्र रे जो उपयुक्त खाद्य पानी भी पाईना ये अभियोग सत्वे कौन सी लोकर देहांत ये नहीं विशेषकर जो अंचल गुड़ाक विपदापन्न हबार भी से अंचल उद्धार कार्य थैथान केन्द्र को घिनी आणु मृत्यु संख्या जो जीरो क्याजुआलिटी कहते बालेश्वर तो गोटे कौन गच्छ पड़ी मरीजी जहाँ संवादपत्र आंतु बालेश्वर जिला दे कि जदि फनीर बहुत ये सरी यास बहुत प्रकोप रहा कि साधारण भाव मृत्यु है आपतिका देखते ये जो घटना को लेकिन आप राज्य सरकार कहते जीरो काजुआलिटी कथा कितु आम जब देखा बालेश्वर यह व्यापक भाव में क्षय क्षति होती विशेष करके तटवर्ती एरिया जो बाहनगा कुंथ जलेश्वर भोगराई यही सब एरिया लोक मान घर संपूर्ण भाव में धोई जाए तेज जीरो काजुआलिटी कथ जो कहते हैं देखते ना निश्चित भाव में बालेश्वर लोक मैंने बहुत भय भितर थे जो प्रकार भाव जे बात्यास आसब तार सूचना सबु लोक बहुत सतर्क थे सहित तो आम देखा पाइल जे प्रशासन तरफ युद्धकालीन भितर कार्य करा जोटी बालेश्वर काले भुवनेश्वर भाया 6-7 दिन लाइन चल लोक पानी पाइबे आम देख लु आमर ये मंदिर पाखे जेनेटर आसिक बसला बहुत जगार बहुत जेनेटर रहा लोक जेनेटर चलिए दिखाई बहुत कार्य निया प्रशासन तरफ बहुत दायित्ववान मान सरकार आम देख लु मंत्री एवं जो मैंने सब 4-5 जन प्रशासनिक स्तर मंत्री एवं सब ऑफिसर आगुरी मंत्री जाकि रिव्यू करेंगे कि मुंड पक्का घर करेंगे मैनिफेस्टो जहाँ प्रतिश्रुति पालन करेंगे कि बिजुली जो रोजगार कथा जीवन जीविका कथा एक ग्रहण करेंगे एक गुरुत्व देवे आउ जीरो काजुआलिटी प्रचार करके निज पिठी थापड़े प्रशंसा साउटे समय गोटे छोटे ब्रेक रगु ओडिशा पुणी आसवा पुणी किसी ग्राउंड रिएक्शन नवा और जो मैंने एक्सपर्ट अच्छे रिएक्शन नवा समय छोट ब्रेक जमा उड़ीसा को आपको पुणी थोड़े स्वागत करुर्गाशीष जीरो काजुआलिटी आउ के दिन
संतुष्ट होड़शा जीरो काजुआल्टी को लेकिन प्रचार को लेकिन प्रकृत में मुंड पक्का घर के आसा सड़क ग्राउंड रुटा रियाक्शन नहीं जाए एक्सपर्ट पाक आसा आम सहित जोड़ी होती विश्वजित पल धामनगर और केन्द्रापड़ अच्छा प्रभात लेंगा विश्वजित धामनगर चित्र कौन लोकों रियाक्शन कौन एम पिठी थापड़ सरकार खुशी होती जीरो काजुआल्टी होगा ग्राउंड लोक कौन कौन विश्वजित देखते दुर्गाश्री कौटी ना कौटी जो लोक मैंने ये जो नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री राज्य जो ये जो ग्राउंड जीरो काजुआल्टी को लेकिन नापसंद कर कहीं फनी हो कि जो अंफान हो या पूर्व जो लोक मैंने साधारण लोक मैंने घर पाई ताकि धामनगर बासिंदा यह ये करना तेज आम पाखे रही जो बासिंदा रही सहित कथा आज्ञा कौन कहे ये जो मुख्यमंत्री मंत्य आपको लगुच जीरो काजुआल्टी आज्ञा कह गोटे बास्फोट कथा प्रकृत सेमती किसी जीरो काजुआल्टी आम देखा पाइलु आम देखु 99 बात्या पाखु आरंभ कर लोक मैंने सचेतन हो गले लोकंर सचेतन भितर निजे निजे सब जाइंट व्यवस्था भितर रही कि प्रशासन ये आम विशेषकर रामनगर से सजग ना बोली आम कहू कहीं आम विभिन्न प्रकार असुविधा आम देखु जे 2014 मसीह समस्त मुंड पक्का घर बोली निजे डिक्लेयर कले मुख्यमंत्री एवं मैनिफेस्टो दे कि एपर्तंत कौन पर लोक मान मुंडे मुंड कोठाघर ना छात ना यार कारण कौन ये दायी किए कहीं जिनस लोक कहीं बाहर को जा राज्य सरकार कहते जीरो काजुआल चल ना राज्य सरकार कहते मैंने केवल बांसपट साउंटिया केवल निजर मान ये देखा आडभरटाइजमेंट करा लगे ये हूँ आडभरटाइज हाइजाक सरकार आम देखु एवं प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा कर 8 लाख रु ऊर्ध पक्का घर समस्त दिजाव किंतु एक भी हाइजाक करने योजना अच्छा एवं तो बात्या आसते आम नबुन पैसा आम नबुन आम मना करदे मागुनु अरे तुम पाक 641 कोटी आसा पुनर्व फेर 500 कोटी आसिक तो विभिन्न प्रकार असुविधा समय केन्द्र सरकार ठिया होती निजर बाबा ना लगे केन्द्रीय योजना को हाइजाक केन्द्रापड़ा जी प्रभात लेखा अच्छा प्रभात लेखा प्रभात अच्छा प्रभात रियाक्शन दिखाँ केन्द्रापड़ा भी क्षतिग्रस्त हो रिएक्शन दियंतु आपण लोक कौन कहते केन्द्रापड़ावासी जीरो काजुआल्टी को लेकिन जो प्रशंसा पाँच खुशी होती राज्य सरकार क्विकली दिखाँ रिएक्शन ग्राउंड रियलिटी कहूँ जे प्रकृत रे ये विफलता कि नुह ये अपारगता कि नुह श्रीयुक्त रविदास आप आसबि आप रिएक्शन होगा चाहिए जे जीरो काजुआल्टी कथा कही कही आम केते दिन पर्यंत एमती प्रचार करूवा बात्या आसब एवं आम लोक बुहे नौवा बात्या आश्रयस्थल को आप जो कथा कहते हेताला बण ये ना लंग टर्म ना एवं 20-21 वर्ष पर चिंता करते भी यह चिंता करते नहीं देखु आम बेंचमार्क नौ सकाशे से 1999 कथा भाव नौ करेक्ट 1999 जो बात्या महाबात्या से भाया 250 किलोमीटर स्पीड रहा बात्या सी नवीन पटनायक से बात्या समय देख सम्मुखीन ही ना नवीन पटनायक जिते बात्या देखी से बात्याशार आम गोटे स्लोगान कि नहीं जीरो काजुआल्टी लोक मानक नहीं आसी ये आश्रयस्थल गुड़िकी आप 1999 बात्या मन कांग्रेस शासन बहुत कांग्रेस शासित राज्य को निर्देश दिता ये आप देखिए से बात्या आश्रयस्थल विभिन्न राज्य मान या भी नुहे सी कि योजना 1999 पर विभिन्न बात्या आमर दीर्घ मियादी कथा है बारंबार आलोचित हो जे हेताला बण करवा समस्ती की पक्का घर दवा बीजेडी तार स्लोगान रखिला कार्यक्रम कले
केन्द्र सरकार नरेन्द्र मोदी मध्य स्लोगान देले जे भाई सुधा कहार कचा घर रही तेणु अर्थर अभाव ना कि आम कर तार जवाब किए दब कहीं एक आम करूँ तार जवाब किए दब ता राज्य सरकार देवे ना ना गोटे कथा कहीं हेताल बड़ आम करूँ से तो इनवेस्टमेंट आवश्यकता ना बहुत जो प्रश्न उठाऊ उत्तर रखु आप खुशी हूँ जीरो काजुआल्टी को लेकिन खुशी हूँ किंतु जो प्रश्न श्रीयुक्त रविदास ओडिशा मागुच आपण को तार उत्तर आपड़ दिं आप उत्तरदायी एवं जवाब मागुचा या जे मुंड कहीं पक्का घर ना अंतरीश लक्ष घर जो दे क्या देख आधार कौन जो जो घर जदि ये करदे ताहले 6.5 लाख लोक कहीं स्थानातर कर कहीं डिसेंबर मसने मुख्यमंत्री केन्द्र को चिठी लिखुच 13 लाख घर दिव श्रीयुक्त जितेन्द्र साहू क्विकली आप शेष रिएक्शन नाप चाहिए एमती बात्या आसब आमती जीरो काजुआल्टी को लेकिन निज पिथि निजे थापड़े देखते जो वर्तमान सरकार कहते आम समस्त को पक्का घर देचु ये संपूर्ण मिथ्या पक्का घर केवल मिली जो मैंने विजु जनता दल रोक अच्छा कोठाघर थी से पक्का घर पाई प्रकृत हिता देकरी पक्का घर पाईना जदि प्रकृत हिता देकरी पक्का घर पाई आज राज्य सरकार बात्या आश्रयस्थल की नहीं न तेणुक ये राज्य सरकार कहवा कथा गोटे प्रचार करने कथा गोटे ये नवीन सरकार केवल तथाकथित श्रेष्ठ प्रचार मुख्यमंत्री भाव परिचित केवल प्रचार प्रसार जोटा करती कम से लगाती आज पर्यंत ओडिशा रे जतक आपण कहते नदीबंध जदि सुदृढ़ करते आज पर्यंत यह नदीबंध द्वारा कौन सी बनिया बातर अभाव मानने देखा जा नाता आज धामारा हो पारादीप हो जोठी हो जो प्रकार जाकि विजु जनता दल कर्मी मैंने रिलीफ बांटिक बाहबा नौकर से रिलीफ बांटिया कौन आवश्यक यठ सरकार विफलता जमापड़ी जे कि सरकार ये काम करने को मानने असंभा ये काम कर अपारगता देखते से विजु जनता दल कर्मी मैंने जाठी रिलीफ बांटुं तेल सरकार जो केन्द्र सरकार दे 641 कोटी टाँचा जो देखे से टाँचा गला कड़े जदि आज विजु जनता दल निजर बाहबा मारूँ ये केवल राज्य सरकार कोटि कोटि टाँचा लुट करने सब योजना करकृत हिताधिकारी प्रकृत तथ्य प्रकृत हिताधिकारी को मिलनी बहुत बहुत धन्यवाद श्री जितेन्द्र साहू आम सहित जोड़ी होते वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त रविदास थे और ग्राउंड रियालीटी आम आपको देखेलु ब्रह्मगिरी धामनगर बालेश्वर आउ केन्द्रापड़ार मुंड पक्का घर ना अंधार लोक अच्छा पलिथिन तले जीवन बीतुची फनी सहायता एपर्त पा ना लोके आम राज्य सरकार खुशी होउछंती जे जीरो कैजुअल्टी कथा 21 वर्ष तले जहाँ थिला आज से क्राइटेरिया को लेकिन खुशी होउछंती एबे जवाब मागुची ओडिशा जे मुंडो उपरे पक्का घर केबे हबो लॉन्ग टर्म दीर्घ मियादी योजना केबे हबो आउ हेंताल बणर प्लान केबे कार्यकारी हबो समस्या सही छि जवाब मागुची ओडिशा को एठ रखुची।